वगैरह कुछ। हाँ उस टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही था, तो हम लोग उस टाइम पे मास्क वगैरह और सैनिटाइजर तो हमेशा रहता था, कभी काल को नहीं होता था। तो आर्टिस्ट जितने भी हैं हम सब जाके बोलते थे कि नहीं भाई थोड़ा सा ये आप किसी चीज की आप लोग कमी कर दीजिए, वो चलेगा, बट सैनिटाइजर और मास्क तो ये हमको चाहिए ही चाहिए। तो हमारा ये डिमांड होता था बस इस चीज का। और बाकी हम लोग तो बहुत ही स्टिम लेना, लाइक स्टिम के बाद हम लोग गर्म पानी का यूज करना, वो जो कपूर आता है कपूर को बांध के रखना, सारी चीजें हम लोग करते थे। तो इंटीमेट सीन ही नहीं हुआ मतलब? घूम फिर के आप उधर ही क्यों आ रहे हैं? इंटीमेट सीन क्यों होगा? मतलब गाने में हमारे हुआ है ना, गाने में हुआ कोविड में? अरे बाप रे, इतना डेंजर। देखो रवि, रवि क्या सेकंड टाइम आप दोनों फिल्म करना चाहते हो कि खत्म? डेफिनेटली नहीं खत्म क्यों? अच्छा, मुझे लगता है कि आप अगर पूरी पब्लिक और आप अगर इस फिल्म को देखेंगे, हमारी फिल्म के गानों को देखेंगे, तो केमिस्ट्री हमारी बहुत शानदार है। इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब मुझे लगता है कि जब ये फिल्म आएगी, जब ये ट्रेलर रिलीज होगा, तो फिल्मों के ऑफर ऐसे लोग बोलेंगे कि रवि और श्रुति को लेना चाहिए उस वक्त। तो मीडिया में डाल दे कि दोनों की जोड़ी हिट है? बिल्कुल हिट, आप डाल सकते हैं, ऑलरेडी हिट है फिल्म। हाँ। जोड़ी भी हिट है हमारी। और कौन कौन से श्रुति जी इस फिल्म में आपके साथ कलाकार थे? आग और सुहाग में संजय पांडे जी थे, और संजय पांडे जी के बाद अनीता सहगल जी थी, और नीलम जी, जय नीलम जी थी, जो कि वो भी बहुत प्यारी है, और भी कई सारे कलाकार थे। सॉरी मैं नाम, कृष्णा यादव जी थे जो हमारे इस फिल्म में मेन विलन है। कृष्णा यादव जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, उनका साथ आपका केमिस्ट्री प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कैसा? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ कैसे केमिस्ट्री हो सकता है? कैसा रहा, कैसा वो? हाँ तो अंडरस्टैंडिंग बोलिए ना, केमिस्ट्री कैसे बना रहे? उनके साथ बहुत अच्छा था। चंद्रा जी कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, हालांकि काफी फाइनेंशियली इशू हुआ था, जो बजट लेके चल रहे थे उससे ज्यादा ही लग गया सेट में कोविड के कारण, लेकिन सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की, काफी अच्छे से शूट किया। हमारे जो डायरेक्टर है संजय बस्टल जी, उन्होंने काफी ज्यादा अपना डेडिकेशन दिया इस फिल्म में। उन्होंने लाइक देखा जाए लोकेशन की या किसी चीज में हमको कमी नहीं रखी, सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड किया, और एक एक डायलॉग पे एक एक चीजों पे उन्होंने काम किया। दर्शक इसको सिनेमा हॉल में कब तक देख सकते हैं? मुझे लगता है बहुत जल्दी इस फिल्म को देख पाएंगे। इस फिल्म की मार्केटिंग विजय यादव जी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप इस फिल्म को देख पाएंगे। मैं प्रोड्यूसर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि अक्सर फिल्मों में होता है कि बजट कम पड़ जाता है या फिल्म में पैसा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म को अच्छी से अच्छी बना जाए। इस फिल्म में मेरा एक्शन नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर के साथ बैठा, मैंने रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर साहब से कि अगर इस फिल्म में एक्शन होगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने प्रोड्यूसर साहब को कहा, मिस्टर राकेश चंद्रा जी को, तो उन्होंने मुझसे बिना